जिले के गोविंदपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की घोर लापरवाही सामने आ रही है, जहां समय पर भी एक डॉक्टर और ANM ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहते हैं, जिसके कारण गांव देहात से इलाज कराने आए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शुक्रवार को हॉस्पिटल में अफरा तफरी उस समय मच गई जब एक खांसी बुखार का मरीज कोरोना वायरस के शक पर इलाज कराने पहुंचे, तब भी एक डॉक्टर अस्पताल में नहीं था। बताया जा रहा है कि सुबह में डॉक्टर BL चौधरी और डॉक्टर विनोद कुमार और दो ANM उर्मिला कुमारी और निर्मला कुमारी की ड्यूटी थी और सभी ड्यूटी से गायब थे। अपनी बेटी को इलाज कराने आए गोविंदपुर निवासी अनिल चंद्रवंशी ने बताया कि जब हम अस्पताल पहुंचे तो यहां एक भी डॉक्टर और स्टाफ नहीं था, जिसके कारण मुझे काफी इंतजार करना पड़ा। जब जिला पदाधिकारी को सूचना दी गई तब जाकर सभी डॉक्टर और नर्स पहुंचे। वहीं डॉक्टर विनोद कुमार बिना सूचना के घर चले गए। वहीं पूर्जा काउंटर पर भी स्टाफ नहीं था। हर दिन लेट से काउंटर खुलने के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। हॉस्पिटल में मौजूद मैनेजर अरविंद कुमार ने पूछे जाने पर बताया कि अस्पताल में कुछ 5 डॉक्टर और 21 ANM हैं, जिसमें 3 MBBS और 2 आयुष डॉक्टर हैं, जिसमें से आज डॉक्टर विनोद कुमार बिना सूचना के घर चले गए, जिसका किसी को जानकारी नहीं है। मेरा नाम मनोज कुमार। कहाँ घर हुआ? मेरा घर हुआ बेला। बताइए क्या मतलब, आप कितने देर से हॉस्पिटल में खड़े हैं? 1 घंटा से। क्या डॉक्टर साहब आए? सर अभी तक तो नहीं। कितना देर से मतलब अभी तक डॉक्टर नहीं आए? 1 घंटा लगभग। अनिल चंद्रवंशी है, गोविंदपुर मकान है, दरमनिया बाजार। क्या समस्या? क्या मेरी बच्ची मानसी भारती का खांसी है, उसके बाद सर्दी है और गला से नाक से पानी बह रहा है, गला में दर्द है। 1 घंटा से बैठे हुए हैं, कोई डॉक्टर अभी तक देखने के लिए नहीं आए। अच्छा, मतलब आपको भय है कि कोरोना भी? हाँ, आपको भय है कि हो सकता है कोरोना का वायरस उसमें आ गया है क्या? लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर नहीं? अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।